बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है इरम नासिर, मेरे चैनल का नाम है डेली स्पाइसेस विद एंटरटेनमेंट। आज जो मैं बेक कर रही हूँ वो क्रिस्पी चिकन क्वार्टर लेग पीस है विद वेजिटेबल्स के साथ, क्योंकि बच्चे बड़े दोनों बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं चिकन एंड वेजिटेबल, तो आज मैंने सोचा कि बड़ों और बच्चों दोनों की पसंद की चीज बनाऊं। तो उससे पहले कि मैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाऊं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसमें मैं जो इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूं वो ये हैं: हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पिसी हुई, हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्ची, हाफ टी स्पून ओरिगानो, हाफ टी स्पून थाइम, हाफ टी स्पून पपीता पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा। ये सब चीजें मैं इसमें एक बाउल में डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर, ये भी एक बाउल में डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। 3 टेबल स्पून को अच्छी तरह मैं मिला रही हूँ और इसमें मैं ये ऑलिव ऑयल है, 2 टेबल स्पून मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ इसमें। इसको भी मैं मिला रही हूँ। ये मेरे पास 4 चिकन क्वार्टर लेग पीस हैं और ये स्किन मैंने उतारी नहीं है, स्किन हमें लगी भी चाहिए इसलिए मैंने स्किन इसकी उतारी नहीं है। अब मैं ये मैंने जो मसाला बनाया है वो मैं अच्छी तरह इस पे लगाऊंगी और ये मसाला अंदर तक लगाऊंगी, ये स्पाइसी सा ये बने, चटपटा सा। इस तरह लगाएं कि स्किन के अंदर तक सारा मसाला जाए, सारे स्पाइसेस अच्छे से चिकन तक जाएं अंदर तक। ये रेडी हो गया है। इसको मैं एक बाउल में रख रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ। इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ। ये मसाला थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें मैं अब 1 टीस्पून टिक्का मसाला डाल रही हूँ। इसको मिला रही हूँ और मसालों के साथ। और ये मेरे पास 2 आलू हैं, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसका मैं छिलका नहीं उतारूंगी। इसको मैं इस तरह 3 पीस करूंगी इस तरह के। ये बड़ा आलू है, इसको मैं 4 पीस कर रही हूँ और ये मैं आलू इसमें मैं डाल रही हूँ। ये 1 कप बेबी कैरेट है वो मैं इसमें डाल रही हूँ और इन सब को मैं मसालों में अच्छी तरह मिला रही हूँ आलू और गाजर के साथ। ये देखें, आलू और गाजर पे अच्छा सा मसाला लग गया है और इसको भी मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ। अब मैं ओवन को प्री हीट कर रही हूँ
375 फॉरनहाइट पे ये प्री हीट हो रहा है। ये मेरे पास बेकिंग ट्रे है, इसमें सबसे पहले ये ऑलिव ऑयल है। मैं ऑलिव ऑयल को ब्रश की मदद से बेकिंग ट्रे में ब्रश करूंगी। फिर मैं ये चिकन के क्वार्टर लाइक पीस है वो मैं रखूंगी। चिकन फिर मैं ये गाजर और आलू है उसको मैंने स्पाइसेस करके रखा हुआ था पहले से। वो मैं रखूंगी। और ये गाजरों को रखूंगी साइडों पे। और ऑलिव ऑयल को मैं ब्रश की मदद से चिकन पे लगाऊंगी। ओवन प्रीहीट हो चुका है 375 फॉरनहाइट पे। अब मैं टाइम सेट कर रही हूँ। मिनट के लिए टाइम स्टार्ट। और अब मैं चिकन को ओवन में रख रही हूं। ये चिकन की ट्रे बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको मैं ओवन में रख रही हूं। मिनट के लिए मिनट्स हमें हो गए हैं। ओवन खोल रही हूं। ओवन की ट्रे को मैं ऊपर रख रही हूं। अब मैं ओवन को ऊपर तक खोल रही हूं और मैं टाइम सेट कर रही हूं। मिनट और मैंने ये ऊपर का खोला है कि चिकन का कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा आ जाए। मैं अब 10 मिनट हो गए हैं और मैं चिकन को निकाल रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका गोल्डन ब्राउन। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अब बहुत एहतियात से करें क्योंकि बहुत गर्म है। ये वेजिटेबल बहुत जूसी बनी है और बहुत यम्मी और टेस्टी होती है इस तरह। बहुत ज्यादा एहतियात से करें, बहुत गर्म है। हॉट एंड स्पाइसी चिकन बेक हो गई है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इसका कलर आया है। ये आपको नजर भी आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत कलर इसका आया है और ये क्रिस्पी और जूसी बनी है कि बच्चे और बड़े दोनों ज्यादा शौक से खाते हैं चिकन। और ये बेक की हुई है तो ये ज्यादा फायदेमंद होती है चिकन जो बेक हुई हुई होती है।
ये देखें क्रिस्पी चिकन क्वार्टर लेग पीस विद वेजिटेबल बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत अच्छा कलर इसका आया है। इसको आप चटनी के साथ केचप के साथ खाएं, बहुत यमी और टेस्टी बना है ये और बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं इसमें वेजिटेबल। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैं ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।